सो गाइस इस वाले वीडियो में आप लोग के जितने भी आप लोगों ने सवाल पूछे सबके एक एक के जवाब देने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखना। किसी का भी क्वेश्चन मिस हो तो आई एम रियली सॉरी। मैंने जिनके भी मतलब मिस किए हैं, लाइक जैसे आप फेस रिवील कब करोगे, तो ऐसे तीन चार लोगों ने सवाल पूछा तो मैंने एक में ही उसका जवाब दिया, तो बुरा मत मानना अगर मैंने आपका नाम ना लिया हो। तो चलो बिना किसी देर हम अपने क्यूएनए को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपको स्क्रीन पे भी दिख जाएंगे। तो पहला सवाल पूछा हमारे यूट्यूब परफेक्ट भाई ने, व्हेन विल यू डू फेस रिवील। भाई जो मैंने भी बोला फेस रिवील, अभी देखो मेरा कोई प्लान नहीं है। बन के पे बहुत लोग सोच रहे मैं अभी कर दूंगा। नहीं गाइस मेरे को बार बार मत बोलना, अभी मेरा कोई प्लान नहीं है। बाकी 2K पे हो सकता है शायद कर लूँ, तो या कुछ भी कंफर्म नहीं है। सीधे से मतलब ले लेना कि 2K पे मैं कर दूंगा, ठीक है गाइस। सो गाइस दूसरा क्वेश्चन पूछा हमारे पीयूष गेमर ने, यूट्यूब कैसे स्टार्ट करने का सोचा। यार मैंने जब लाइक बड़े यूट्यूबर्स को देखता था स्ट्रीम करते करते, मेरा भी मन करता था स्ट्रीम करूँ, लोगों से इंटरेक्ट करूँ, लोगों से प्यार पाऊँ। मतलब मेरा भी मन करता था बड़े बड़े स्ट्रीमर्स को देख के, तो इसी से मुझे मोटिवेशन मिल के मैं करता रहा स्ट्रीम करता रहा। मेरा ड्रीम है कि मैं कभी बड़ा यूट्यूबर बनूँ, तो आप समझ जाओ। तो थर्ड क्वेश्चन पूछे हमारे क्विंटम फीनिक्स ने, #QnA विच गन इज योर फेव इन AR स्नाइपर DMR शॉटगन पिस्टल SMG LMG मिले। ओके AR AR-12M4 स्नाइपर AWM ऑब्वियसली DMR कौन सा होती है पता नहीं, भूल गया। शॉटगन होती है SMG 897, ठीक है। पिस्टल मेरे को डेजर्ट ईगल गॉड है। SMG में मेरे को UMP या UZ, ठीक है। मीले में पैन, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वाले क्वेंटम ने पूछा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट मी फॉर रियल। काम जो तो वो कर लेता है बट कभी कभी धोखा दे देता है ना। तो थर्ड क्वेश्चन पूछे क्वेंटम भी नहीं, व्हाट इज अवर चड्डी ब्रांड जॉन। ये दो तीन लोगों ने पूछा है, मेरा चड्डी ब्रांड है जॉन। एंड फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन पूछा है, वो पूछा है यश कुमार ने, #QnA1 व्हाट इज अवर चड्डी कलर। भाई एक चड्डी मैं नहीं पहनता डेली, ठीक है। ब्लू रेड ब्राउन ऐसे बहुत सारे कलर, व्हाट इज अवर चड्डी कलर मैंने बता दिया, ठीक है। फर्स्ट वीक में कितनी बार नहाते हो, मतलब एक वीक में कितनी बार नहाते हो? 3 से 4 बार। हाँ, हु इज़ योर टॉप 5 सपोर्टर इन यूट्यूब। स्टार्टिंग से लेकर तो यश भाई, अभी कहूँ तो मैं यश भाई थोड़ा कम सपोर्ट कर रहे हैं, बट अभी के लिए क्वेटम कह सकते हो। जस्ट अभी कहोगे तो योगेश, धीरू भाई, क्वेटम एंड यश भाई भी है, बस हाँ चार ही हैं जिससे मुझे मतलब अच्छे वाले जो हैं। और स्टार्टिंग से तो यश कुमार, क्वेटम और प्रयुगल भाई भी स्टार्टिंग पहले थे, अब नहीं है। UPSC पहले करता था बट अब नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा यश भाई ने, जब आपकी पैरेंट इनकम आएगी तो उसको क्या करोगे। भाई मैं उससे पार्टी करूँगा दबा के, और जितने बचेंगे सेव कर लूँगा, फिर धीरे धीरे आते रहेंगे धीरे धीरे। तो उससे मैं PC अपग्रेड कर लूँगा, फिर एक अच्छा सा फ़ोन लूँगा, ठीक है। बहुत टाइम लगेगा बट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, हु इज़ योर फेवरेट यूट्यूबर। भाई माइनक्राफ्ट में गेमर फ्लीट, पबजी में जॉनस है। हु इज़ योर फेवरेट बता दिया एंड माइनक्राफ्ट बता दिया। व्हाट डू यू थिंक अबाउट मी। नॉर्मल है, प्लीज सेंड माई मैसेज एंड गिव शॉर्ट एंड आंसर। वेरी वेरी बिग शाउट आउट टू यश कुमार, #QnA55 एंड दो दिन दिए लाल लन जो अपने स्क्रीन में देखे होंगे। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, वो पूछा है अनुराग भाई ने, ब्रो आपके नॉर्मल एग्जाम में कितने मार्क्स आते हैं। ओनली दैट भाई तुम कैसे सवाल पूछते हो यार, भाई 50-60 मार लो यार, कभी 70 पे आ जाता है तो मैं, ठीक है चलो। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे वो पूछा है धीरू भाई ने, वंशिका कौन है। कोई नहीं भाई, कोई नहीं है वंशिका, कोई नहीं है। नो भाई, नो वन वंशिका, उसका दूसरा वर्जन वंश है, वंशिका कोई नहीं है भाई, ठीक है। फिर हमारा क्वेश्चन पूछे बहुत सारे रॉयल गेमिंग ने, पहले उनका पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फेवरेट यूट्यूबर बता दिया। वाई ओपन योर यूट्यूब चैनल, वो भी मैंने बता दिया है कि मुझे लाइक लोगों मतलब बड़े बड़े स्ट्रीमर्स को मोटिवेशन मिलता था, उससे मेरा भी मन कर रहा बट आगे निकल, बस सोचा नहीं था कि मैं यहाँ तक भी पहुँचूंगा। तो व्हाट इज़ योर रिएक्शन ऑन 1K सब्सक्राइबर। भाई बहुत खुश था एंड बहुत
एक्साइटेड था अपना केक काटने के लिए वन के का जो बहुत सुंदर था। व्हाट इज योर गर्लफ्रेंड नेम? भाई गर्लफ्रेंड नहीं है। व्हाट इज योर रिएक्शन ऑन 10 से 7? भाई वो 10 के हुए ही नहीं है। लास्ट क्वेश्चन, आई वांट टू प्ले विद यू प्लीज। भाई आ जाओ भाई, मैंने तो कभी मना किया ही नहीं है भाई। पबजी मैंने टीम कोड से, माइनक्राफ्ट मैंने, आईपीएन पर डिस्कॉर्ड में मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा है मिस्टर विशेष भाई ने, सर जी आपके चैनल की फास्ट ग्रोथ कितने सबसे शुरू हुई? कोई ऐसा टाइम आया था कि आपने यूट्यूब से लीव करने का सोचा हो? और अगर था तो उसकी वजह बताओ प्लीज। ओके, तो सर जी आपकी देखो मेरी फास्ट ग्रोथ ऐसे, जब मैंने माइनक्राफ्ट शुरू करी थी तब मेरी बहुत तेज़ी से ग्रोथ होने शुरू थी। और एक और थी कस्टम रूम, जब मैंने पबजी की कस्टम रूम फर्स्ट टाइम किए थे, मैं तो 7 डे का रूम कार्ड आया था फर्स्ट टाइम जब मैंने किए थे। एक PLS नाम के बंदे ने मुझे 7 डे के रूम कार्ड दिए थे, तो उससे मेरी बहुत ग्रोथ हुई थी। उसके 3 दिन मेरे सबसे बेस्ट थे जिनमें मेरे को 40 से 30 सब्सक्राइबर्स से ग्रोथ हुआ था एक दिन में। 3 दिन में आप सोच लो कितना हुआ, 100 तो हो ही गया था मेरा, बहुत मज़ा आ गया था ऐसा समझ लो। हाँ था एज अ टाइम हेट एंड नो सपोर्ट की वजह से मैंने सोचा, बट फीनिक्स एंड UPS ने मेरे को वापस से मोटिवेट कर दिया, तो मैं वापस स्टार्ट हो गया। चलो उसके अगला क्वेश्चन पूछा PLS गेमिंग ने, व्हेन यू विल डू फेस रिवील? बता दिया मैंने। फिर पूछा लेनेसिक्स गेमिंग ने, ऋतिक रोशन और टाइगर? गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, आई लाइक इट। किसको चूज करें? दोनों ही अच्छे हैं। टाइगर बस। फिर क्वेश्चन पूछा हमारे दीपन इज लाइव ने, फेस रिवील कब बता दे? गर्लफ्रेंड है नहीं है, पबजी में प्रो कैसे बने? प्रैक्टिस की वजह से, ग्राइंड की वजह से एंड मोटिवेशन की वजह से। कोटन से फर्स्ट कब मुलाकात हुई? कोटन तो आया था मेरा, बोल रहा था टीम कोड दे दो, टीम कोड उसने मतलब अच्छा, बिल्कुल अच्छा बन रहा था। एक मैच लिटरली उसने वेट कर लिया, कुछ नहीं कहा कोई, मतलब लोग तो एक मैच वेट करके भाई फालतू बोल के निकल लेते, बट उसने कुछ नहीं कहा। फिर 10 मिनट बाद कहता भाई मैं जा रहा हूँ, मेरे फ्रेंड जाएगा। मैंने कहा अरे भाई आपके साथ खेलना है मुझे, रुक जाओ यार। एंड UPS के साथ सर जी के चैनल पे हम गए थे, हमने थोड़ी कृपा करी थी, बहुत ज़्यादा कृपा करी थी सर जी हमारे, जरा उसमें आ जाओ हमारे स्क्वाड में आ जाओ, बहुत कृपा कर रही थी। बट सर जी ने इग्नोर कर दिया था, मतलब माने नहीं थे वो। फिर 2-3 दिन बाद आके थोड़ा थोड़ा हुआ, फिर हुआ, अब तो वो बेटा बन चुका है। फिफ्थ क्वेश्चन, आईपैड की वीडियो क्यों नहीं करते? भाई मैं आईपैड की वीडियो क्यों करूँ, मुझे ये बताओ भाई। मेरी मम्मी है ना, मुझे समझ जाओ भाई, और मेरे को कुछ ग्रोथ नहीं, नहीं मुझे कुछ मिला है, तो मैं 30,000 का ऐसे गिवअवे थोड़ा ना कर सकता हूँ भाई, कुछ बिना कुछ मिले तो। यार सिक्स फेवरेट में बता चुका इंस्पिरेशन, ये मैं सबसे थोड़ा लिया है यार, मतलब इंस्पिरेशन लिया गाई थोड़ा ऐसा पर्टिकुलर इंस्पिरेशन नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतना गुस्सा क्यों होते कभी कभी? हाँ मेरे को पता है, मेरा रेज बहुत ज़्यादा होता है, तो पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। हाँ मैं रेज हो जाता हूँ, यस आई नो दैट। कितना वॉच आवर आर्स है अभी चैनल में? अभी आज डेट है 18th में, तो मैं ये रिकॉर्ड बहुत लेट कर रहा हूँ, मुझे पता है, सॉरी मन नहीं कर रहा था रिकॉर्ड करने का। तो अभी मेरा 2.8 या 9 के हो चुका है, हाँ मैं डिफन का 8 या 9 के, ठीक है। बट हम ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्लोज है अपने मोनेटाइजेशन के लिए, प्लीज़ गाइस सपोर्ट दो स्ट्रीम, देखो डेली आओ, एटलीस्ट तुम लोग 1 घंटा देख लो, मेरे को बहुत सपोर्ट मिल जाएगा, उसका अच्छा खासा वॉच टाइम मिल जाएगा, ठीक है। उसके अगला क्वेश्चन मुझे, व्हाट बेस्ट गन M416, व्हाट डू यू थिंक अबाउट मी? बचकाना एक बचकाना। फिर क्वेश्चन 13th क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन पूछे, लाइक एंड डिसलाइक हायर करो, बोलो ताकि मुझे डिसलाइक देख के थोड़ा हेट ना मिले। लोग देखते हैं चाहते हैं कि मतलब इसको डिमोटिवेट देखे, मैं बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाता हूँ, बहुत जल्दी मोटिवेट हो जाता हूँ, तो मैं जल्दी डिमोटिवेट होता हूँ, तो इस वजह से जब डिसलाइक थोड़े ज़्यादा आते हैं तो मैं डिमोटिवेट को स्टीम ऑफ कर देता हूँ, तो इस वजह से मैं हाइड ही रखता हूँ, और अब तो मेरा मन ही नहीं करता है हाइड करने का। और जब कम लाइक होते हैं तब भी थोड़ा डिमोटिवेशन मिलता है, तो मैं कहता हूँ ध्यान दो अपन हाइड्रेटेड रखते, ठीक है। उसके अगले क्वेश्चन पूछा सुनील रत्ना ने, ब्रो आप अपना फेस रिवील कब करोगे? या मेरा ये मेरा क्वेश्चन है। ओके ब्रो, मैं अपना फेस रिवील करूँगा भाई, बता दिए मैंने बाय द वे, 2K या 3K पता नहीं, ठीक है। ब्रो प्लीज़ प्ले सम COD मोबाइल प्लीज़। ओके ब्रो, COD क्या यार, अभी कोई मेरा कोई कल पहले करो, COD का मेरा कोई प्लान नहीं है। BGMI इज कमिंग, पूरा कन्फर्म है, BGMI आ रहा है, तो मैं भी पूरा ग्राइंड BGMI भी करने वाला हूँ, मैं नहीं कर सकता अभी COD में, ठीक है। उसका अगला क्वेश्चन पूछा हमारे अरोड़ा जी ने, डैश तू मेरे को मॉड कब बनाएगा बताओ, और मेरे साथ पबजी कब खेलेगा? भाई मैं मना तो कभी करता नहीं, पबजी में आना आ दो, एंड पॉइंट्स में टॉप 2 में आना पड़ेगा अगर आपको मॉड बनना है अरोड़ा जी, ठीक है। उसका अगला क्वेश्चन पूछा हमारे सामट मैक्स ने, कितनी चीयर? 0। ओके तो गाइस अभी हमारा कोई ने फाइनली खत्म हो चुका है, मैं बहुत ज़्यादा पहले मतलब मेरा मन नहीं कर रहा बनाने के, बट फाइनली बना ही दिया, तो भाई हाँ हो गया। एंड सॉरी थोड़ा बेकार हो, क्योंकि मेरा बोलने में मैं अच्छा नहीं हूँ, माफ़ कर दूँगा, थोड़ा इधर उधर
मेरा माइक बेचना है, मैं जल्दी एक माइक अच्छा से लूँगा, फिर मस्त ही क्वालिटी आएगी ऑडियो की। तो ठीक है गाइस, जिन लोगों की मैंने छोटे छोटे से सवाल थे जैसे डोनोवन, शिनचैन, मैंने फिर बाइक मैंने वो नहीं लिए छोटे छोटे से, तो उनके लिए सॉरी गाइस। एंड सुबह चलो अब आपको मिलता हूँ मैं अपनी नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में, तब तक गुड बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द स्ट्रीम, सॉरी वीडियो, लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।